कि आपके क्या लेके आए, क्या पूरी समस्या क्या है आपकी? मेरा नाम सुनील कुमार धानुक है, कुछलोत का रहने वाला हूँ मैं। मेरा खेत पूरा हड़प गया है राजू तिवारी और उसके मंडी अध्यक्ष, राजू तिवारी मंडी अध्यक्ष और उसके साथ दो साथी मिलकर तीनों ने मेरा खेत हड़प लिया गया है। और घर पे आके के दमंग गुंडों ने आके जान से मारने की धमकियाँ दी और मेरे खेत पे उन्होंने मकान बना लिए, क्रेशर लगवा लिया और आए दिन कुछ भी करता जा रहा। हमें खेत पे आने तक बोला कि वहाँ आया तो जान से मार डालूंगा। क्या इसकी शिकायत करी थी आपने, क्या पूरा मामला है? शिकायत मैंने जिरन थाने में भी करी थी, उसके बाद यहाँ आके जन सुनवाई में भी शिकायत करी, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी गई। और उस वजह को लेकर मेरी बीवी ने कल जेल के आगे सुसाइड कर लिया गया। और ये खेती की समस्या है सर, हमारी पूरा खेत हड़प लिया गया। तो क्या शिकायत करने के बाद कोई धराया धमकाया गया, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घर आके अनशन धमकाया गया कि शिकायत वापस उठा ले नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। कौन धमकवाता था ये? ये राजू तिवारी मंडी अध्यक्ष, राजू तिवारी मंडी अध्यक्ष के कुछ मिली जुली भगत है उनके। उसके बाद मैं उनके शक्ल से भी जानता हूँ, कभी रात में आ जाते कभी दिन में आ जाते। क्या कहीं शिकायत करी तो सुनवाई होती, क्या स्थिति है? कोई शिकायत की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी शिकायत। जिरन थाने में करी धमकी की शिकायत? भगा दिया वहाँ से। किसने भगाया? थाना प्रभारी तिवारी भगवर नाम। अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति मेरी बीबी और बच्चे तो शांत हो गए। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो आगे कल से मैं भी यही कदम उठाऊंगा। अभी साहब ने क्या बोला आपको? साहब ने अभी बोला कि मैं देखता हूँ, जाके कुछ आवेदन अंदर देखता हूँ, समझता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कितने बीघा खेती है आपकी? हड़पी 3 बीघा खेत था। ठीक है। जीरन तहसील के कुछलोत गांव का एक मामला आया जहाँ शिकायतकर्ता सुनील दानू के उसके आरोप हैं कि उसकी पत्नी और दो बेटे ने कल आत्महत्या करी है, तो वो आपकी प्रताड़ना और आपके गुंडों की प्रताड़ना से परेशान होकर करी है। इसको कोई मेरी जानकारी में है नहीं, प्लांट हमारा है, हमको जो जगह मिली है सरकार से जगह अलाट हुई हुई है और हमको जो कब्जा दिया गया है वहाँ के तहसीलदार उन्होंने हमको जब कब्जा दिया गया कि यहाँ से यहाँ पर जगह वो हमारे पास बीच में पहले आया था, बोला यार ये जगह मेरी बेचनी है। तो मैंने कहा पट्टे की ज़मीन तो कोई खरीद सकता नहीं है। वो एक दो बार हमारे पास आया था, बोला यार आप मेरी ज़मीन खरीद लो। मैंने कहा भैया पट्टे की ज़मीन तो हम खरीद भी नहीं सकते क्योंकि हम शासन के निकाह में कोई सरकारी जिसको पट्टा हुआ उसको तो कोई खरीद सकता नहीं और ऐसा कोई हमारे नहीं, अगर कुछ होगा तो शासन प्रशासन इसकी जाँच करेगा। सेकेंड 10 तारीख को फरियादी और उसकी जो वाइफ है, जो मृतक वाइफ है, उन्होंने शिकायत करी थी। उसके बाद में उनका कहना है कि 10 तारीख को शिकायत करने के बाद से राजू निरंजन तिवारी जी आप हैं और आपके गुंडों द्वारा उन्हें आए दिन डराया धमकाया जा रहा था, पत्नी को उठाने की धमकी दी जा रही थी। अगर धमकी दी जा रही थी मान लो फोन द्वारा की जा रही हो तो फोन को लेकर बता दें, मेरा टावर अगर वहाँ बता भी दो 15 दिन में कि 15 दिन में कुछ लोग गया। नहीं, लोग भेजे जा रहे थे गुंडे आपके? कौन भेजे जा रहे भाई? कुछ भी अगर ऐसा होगा तो उसका प्रूफ तो होगा ना, और हम क्यों करें? हमको तो सब जगह आपने अलाट करी, कम से कम 11 हेक्टेयर ज़मीन अलाट की है और हमारे जो वहाँ पर काम चल रहा है ना मात्र 4 या 5 हेक्टेयर में चल रहा है। मतलब ज़मीन जैसे क्या है कि अलाट जो भी ना उस पर पूरी पे कोई हमारा काम भी नहीं चल रहा है। वैसे जैसे कि आपने लीज लिए खनिज विभाग से उसको, उसके बाद वहाँ निर्माण कार्य मकान वकान आपने बना दिया, तो कैसे पॉसिबल है? तो बना सकते हैं ना, 30 साल के लिए हमारे पास लीज पे, सरकार ने जो हमको लीज पे दिए, लीज पे तो हम जब तक लीजिए, ये है कि हमारी लीज खत्म होगी तो सरकार की हो जाएगी, बाकी उस पर अपन कर सकते हैं ना। तो उनके आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे सारे? मेरे तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है और अगर इसकी जाँच होगी, अगर हम गलत पाए जाएंगे, हमको तो अपना तो हम वहाँ के निवासी हैं भाई, हमको पता भी नहीं, हम निमस क्षेत्र के, हमने जगह देखी नेट पे सर्च किया भाई कहाँ पे जगह खाली है, वहाँ खाली दिखी तो हमने आवेदन दिया तो ज़मीन अलाट हुई, रजिस्ट्री हुई, बाकायदा उसका पंचनामा बनता है, तहसीलदार हमको वो देता है मतलब कब्जा की यहाँ से लेके यहाँ तक जगह आती है। और मैं तो क्यों उस जगह की अगर वास्तविक विनप्ति की जाए तो अभी भी लोगों के अवैध कब्जे, मतलब हमने जो जगह ले रखी ना वो बहुत जगह छोड़ के, मतलब वो तो जो होगा सत्य तो सत्य रहेगा। अब वो बोल रहे गुंडे को, हम उनको क्या गुंडे से क्या धमकाए? हमारे पास जो ज़मीन है 11 हेक्टेयर ज़मीन 50 साल तक भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम उसको जैसे माइंस में यूज़ करेंगे ना तो 11 हेक्टेयर ज़मीन हम 50 साल तक भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। और हमारे पास अपनी ज़मीन की कोई कमी हो हम उस ज़मीन को क्यों लें? और वहाँ पे जैसे वो बोल रहे हैं फसल, तो वहाँ पे निरीक्षण किया जाए, जांच किया जाए कि वो कितनी उपजाऊ फसल है, कि हमने उस पर कब्जा किया है कि नहीं किया, हमारी जगह पे लोगों का कब्जा है अभी तो।
अगर इसको आप सही ढंग से नब्ते कराओगे तो जो हमारी जगह अलाट है वो भी लोगों ने कब्जे कर रखी है। तो प्रताड़ना के लिए दरार धपकाने के जो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी वास्तविकता क्या, सच है झूठ है, क्या स्थिति है आपके अनुसार? देखो इसमें मेन क्या है कि जैसे हमने वहाँ प्लांट खोला तो शुरू से वहाँ पे कुछ इस तरह के गिरोह वाले लोग कि ये ज़मीन 15 लाख रुपये बीघा में खरीद लो तुम, ठीक है ना, नहीं तो हम तुम्हारा प्लांट बंद करवा देंगे, तुमको फंसा देंगे, तुम ये करेंगे। और आपको पता नहीं होगा शायद 10-20 साल पुराना एक प्रकरण भी है, तो वहाँ पर उन्होंने SDM की गाड़ी पे पत्थर उत्थर भी फेंके थे, उसमें शायद ये लोग भी हो सकते हैं। मतलब आप इसको अगर सही ढंग से जांच करोगे तो उन्होंने हमको पहले भी कहा, बोले हम तुमको इस ढंग में फंसा देंगे। मैंने कहा देखो फंसा दोगे हम तो सही है हमारी जगह में, तुम तुम्हारी जगह नब्ती करा लो। अगर तुम्हारी अगर हमने उनकी जगह खाई है तो जगह कलेक्टर होता है, पटवारी साहब होते हैं, ठीक है ना, SDM साहब होते हैं, वो जगह पर ही वहाँ बता देना कि हमने उनकी जगह कहाँ पर। भाई ज़मीन को खा तो हो सकता नहीं, ज़मीन तो यहाँ ही रहेगी, अपन रहे या नहीं रहे ज़मीन तो यहाँ ही रहेगी ना, वे उसको नब्ती कर ले। ठीक है, अपना नाम बताइए।